प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर। और जब उसका रिजल्ट निकालते थे तो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टू ए बी मिलता है कि नहीं मिलता है? ये टू ए बी कहां से आया? टू ए बी कहां से आया? ये टू ए बी कहां से आया? ये टू ए बी है वो जुड़ने की एक एक्स्ट्रा एनर्जी होता है। ये जो टू ए बी एक एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई, भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा टू ए बी निकलता है। मैं कहता हूं ना, मैंने पार्लियामेंट में हिसाब दिया है, पार्लियामेंट में गिन गिन करके हिसाब दिया है कि रोजगार कैसे बढ़ा है। कब हो गया ये? कब हुआ? कब? ये कौन सी मीटिंग है जहां मुझे नहीं बुलाते? मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? तो राम निकला रहे, देव मानुष निकला रहे। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। भगवान, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के कोई तरीका है भीख मांगने का? मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। 70, 80, 85, 90 साल के लोग तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है। What? उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये मोदी भी गरीबी से लड़ते लड़ते गरीबी के खिलाफ ही बागी हो गया है। टैंक का डायमंड चतुष्क तैयार करें और जब देश 75 साल गोल्डन जुबिली डायमंड जुबिली मनाता हो, तब देश को बुलेट ट्रेन से कम 4 दिशाओं में जाने का काम हम खड़ा कर दें। आप देखिए दुनिया नए सिरे से हिंदुस्तान को देखने लगेगी। यार ये कितनी औसम है यार। सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, वाह।
क्या सीन है, वाह क्या सीन है। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। हम जनता का ख्याल रखने के पक्ष के हैं और हम रखेंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। चलिए पुडुचेरी को वणक्कम। ऊर्जा क्रांति करनी है हिंदुस्तान में, और इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी, सोलार एनर्जी, वीड एनर्जी का न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। चल झूठा। तो मेरे लिए एस स्टैंड फॉर स्पिरिचुअलिटी, टी स्टैंड फॉर ट्रेडिशन, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, आर से रिलेशनशिप, ई से एंटरटेनमेंट और ए से आर्ट, एन से नेचर, हिमालय हमें जोड़ता है, प्रकृति हमें जोड़ती है, और एच से हेल्थ सेक्टर। अरे कहना क्या चाहते हो? और जिस मंत्र को लेकर के हमने शासन व्यवस्था को संभाला है, वो मंत्र है सबका साथ सबका विकास। अगर हिंदुस्तान का कोई कोना न साथ हो तो मेरा सपना अधूरा रहता है। जो बैंक के बाहर कतार लगाता है बेईमान लोग, गरीबों के घर के बाहर चुप चोरी छुपकी से कतार लगाए हैं, उनको कह रहे अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इसका मतलब तू इधर से कभी नहीं जाएगा। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हिंदुस्तान के नागरिकों के पास बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल कनेक्टिविटी, वो बैंक अकाउंट ऑपरेट करे गरीब आदमी, वो सरकार से अपनी चीजें मांग सके, वो अपनी अर्जी पेश करे, अपना सारा कारोबार अपने चलते चलते मोबाइल गवर्नेंस के द्वारा कर सके। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जाता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, ये आपकी विफलताओं का स्मारक है, और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। हमारे भीतर का कार्यकर्ता जिंदा रहना चाहिए, थोड़ा सा भी अहंकार अपने आसपास के सबको दूर कर देता है जी। और फिर हमें भी आदत हो जाती है एक नए से मंडल के भीतर अपनी जिंदगी गुजारने की। ऑस्कर का अवार्ड मिला क्यों? तो बोले प्रधानमंत्री की बेस्ट एक्टिंग के लिए। प्रधानमंत्री कौन है पता नहीं चल रहा है। देश कहां जाएगा पता नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण की, हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टर्बाइन के माध्यम से ही, तो एक विंड टर्बाइन से ड्रिंकिंग वाटर भी मिल सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कर सकते हैं और एनर्जी भी हो सकती है, यानी 3-in-1 एक ही टर्बाइन से हो सकता है। आप इस बात से सहमत हैं? आप सहमत हैं भाई? क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने। मेरे देशवासियों, मेरे घर,
परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। अडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं अडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की, घर में शादी है वैसे नहीं है, मां बीमार है, हजार की नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। आपको भी पता है अचानक 8 तारीख को रात को 8 बजे पांच सौ और हजार की नोट, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। और मेरा तो मंत्र है न खाऊंगा न खाने दूंगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। देश के किसानों की आय दो गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। द नेशन दैट यू कैन ट्रस्ट, ए राइज इन ग्लोबल इंटीग्रेशन। समझ रहे हो? ग्लोबल इंटीग्रेशन। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? गांव से क्यों, कहीं से कोई पलायन ना हो, आवश्यकता तो यही हो जो जहां है वहीं उसके रोजी रोटी का अवसर मिलना चाहिए। आप दो ना, आप दो ना, आप। आज भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए जुटा हुआ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ऐसे में विश्वास किया जाए कि नहीं किया जाए? 7%, 8% की विकास दर से आगे बढ़कर हमें डबल डिजिट की विकास दर प्राप्त करने के लक्ष्य पर काम करना समय की मांग है। ये सब झमेला में नहीं पड़ने का है बाबा। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। ये सब झमेला में मत पड़, तू छोड़, ये सब तू छोड़ रे बाबा, जाने दे जा। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड ये मंत्र को लेकर के भी हमें आगे बढ़ना है। हम अपनी इकोनॉमी के साइज को दो गुना करने का प्रयास करेंगे। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन GST से जो लाभ मिलने वाले हैं, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। ऑस्कर का अवार्ड मिला क्यों? तो बोले प्रधानमंत्री की बेस्ट एक्टिंग के लिए। मैं 60 महीने एक चौकीदार बनने के लिए मांग रहा। ये चौकीदार उन्हें पाताल से भी खोज करके निकाल लाएगा और उन्हें सजा देगा। उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धौलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। अरे यार बस कर, 1 साल हो गया है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, जिस आधार कार्ड के नाम पर
पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग नाच रहे थे और न जाने देश के लोगों को क्या कोई बड़ी जड़ी बूटी दे दी है कि जो उनके हर संकटों से मुक्ति दिलाएगी। उस आर कार्ड पर के वो खेल खेल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से ऐसी डांट पड़ी है। आज सवाल ये है, लोकसभा चुनाव से पहले तक आधार कार्ड को राष्ट्रीय खतरा बताने वाली बीजेपी सरकार ने पलटी मार दी है। ये पबजी वाला है क्या? ये दो दोस्त जंगल में टहलने के लिए चले गए, लेकिन बड़ा घना जंगल था, भयानक पशु थे, तो अपने साथ सुरक्षा का भी सामान रखे हुए थे, बढ़िया क्वालिटी की पिस्तौल बंदूक के साथ थी, और फिर उनको नजर नहीं आ रहा तो कहीं रुक करके गाड़ी से उतर करके तो टहलने के लिए निकल पड़े। और जब टहलने के लिए निकल पड़े तो अचानक एक शहर आ गया। अब सामान तो गाड़ी में पड़ा था, बंदूक तो गाड़ी में पड़ी थी, वहीं छोड़ आए तो ये टहल रहे थे, शेर आ गया। लेकिन अब इस परिस्थिति का मुकाबला कैसे करें? भागे तो भागे, जाए कहां? तो उसमें से एक जो था उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर का लाइसेंस निकाला और शेर को दिखाया, देख मेरे पास है। आपका लागत है हमारी स्टोरी नॉनसेंस है। आपको मोदी से नफरत है, गुस्सा जितना निकालना है निकालो। अरे मोदी का पुतला लगा करके आते जाते जूतने जूते मारने हैं, मारो। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। लो, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिन्ना नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। इस दीदी पर आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? दीदी को सजा करोगे कि नहीं करोगे? पक्की सजा करोगे? सच बताइए, why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अच्छे दिन। यार भाई दिल से बुरा लगा यार, एकदम भाई मैं बता रहा हूँ। मैं मेरा पिछड़ापन, मेरी गरीबी दूर करने नहीं, आपके लिए जीता हूं। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी। मुझे यहां विकास करना है, मुझे यहां शिक्षा की चिंता करनी है, मुझे यहां किसानों को पानी पहुंचाना है, मुझे यहां किसानों को उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले इसका प्रबंध करना है, मुझे नौजवानों को रोजगार देना है, मुझे माताओं बहनों को सम्मान देना है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। मेरे जहन में जाती नहीं है, इसलिए घर भी जाति पूछ करके नहीं दिया, गैस का चूल्हा भी जाति पूछ करके नहीं दिया, शौचालय भी जाति पूछ करके नहीं दिया, और इसलिए वोट भी जाति के नाम पे नहीं मांग रहा हूं भाई। विकास यही मेरा एक सपना है, विकास यही मेरा रास्ता है, विकास यही मेरी मंजिल है, विकास यही मेरा मकसद है, विकास यही मेरी ताकत है, विकास यही मेरी प्रेरणा है। जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।
इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। जो वादे मैंने किए हैं, जब 60 महीने पूरे होंगे मैं आपको पाई पाई का हिसाब दूंगा, पल पल का हिसाब दूंगा। अच्छे दिन नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।